भगवान के विषय में बहुत से ऐसे प्रसंग हमें सुनने और पढ़ने को प्राप्त होते हैं जो हमारी अंतर आत्मा को झकझोर के रख देते हैं। उनको पढ़ने और सुनने से भगवान के प्रति विश्वास और अधिक बढ़ जाता है। एक ऐसा ही प्रसंग आज हम आपको बताने जा रहे हैं। इटावा जिले में एक तहसील थी, उसका नाम था ओरैया। उस ओरैया तहसील के तहसीलदार थे श्री जय नारायण जी। बड़े ही सत्यनिष्ठ और श्रद्धावान भक्त थे। कहते हैं उन्होंने अपना अंतिम समय वृंदावन जाकर व्यतीत किया। एक बार जब वह तहसीलदार थे तो जमुना पार के कुछ लोग उनके गांव में आ गए। उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था, तब उन्हें दया आ गई। 1956 की यह बात है और उन्होंने दयावश उन 500 लोगों को अपने सरकारी खजाने से 500 रुपये निकाल कर दे दिए। वो लोग तो बड़े प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद देकर कहने लगे, हे जय नारायण जी, आप सदैव प्रसन्न रहो, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर वो तो वहाँ से चले गए, लेकिन तहसीलदार के नीचे जो पेशकार रहता था उसे मौका मिल गया शिकायत करने का। अभी आज़ादी को मुश्किल से कुछ ही समय हुआ था तो इटावा के ऊपर अंग्रेजों के कुछ शासक थे। उस समय वहाँ का कलेक्टर अंग्रेज था। पेशकार जो ईर्ष्या भाव रखता था तहसीलदार जी से, वो अंग्रेज के पास गया और सारी बात बताकर कहने लगा, कल 500 लोग हमारे गांव में आए थे और तहसीलदार ने 500 रुपए सरकारी खजाने से निकाल कर उन्हें दे दिए हैं। आप आइए, जांच कीजिए और इस तहसीलदार को बर्खास्त कीजिए। अंग्रेज कलेक्टर ने बात मान ली। वह दूसरे दिन प्रातःकाल ओरैया की तहसील में पहुंचा। प्रातः 9 बज चुके थे। उसने आकर चपरासी से कहा, जाओ और तहसीलदार को बुला कर आओ। अब जय नारायण जी तो अपने परमात्मा की सेवा में व्यस्त थे, अपने गोपाल जी को स्नान कराकर भोग लगा रहे थे। चपरासी गया, कहा, महाराज चलिए, आपको बुलावा आया है, अंग्रेज कलेक्टर आ गया है। उन्होंने चपरासी को देखकर कहा, अभी कितना समय हुआ है? कहा, अभी 9 बजे हैं। कहा, वहाँ तो 10 बजे पहुँचना है, 1 घंटा इंतजार कर सकता है। 10 से पहले अगर मैं नहीं भी गया तो उसको अधिकार नहीं मुझे डांटने का, मैं 10 बजे आऊँगा, पहले मुझे गोपाल की सेवा करनी है। चपरासी कहने लगा, वो साहब है, आपको नौकरी से निकाल सकता है। कहा, भले निकाल दे, मैं तो अपने गोपाल की सेवा कर रहा हूँ। इस प्रकार चपरासी ने कहा, आपकी शिकायत की गई है, पेशकार ने शिकायत की है आपकी कि आपने सरकारी खजाने के 500 रुपये उसे दे दिए हैं। अभी 1 घंटे का समय है, आप चाहो तो शहर के सेठ छांगामल से 500 रुपये उधार लेकर आप सरकारी खजाने में जमा करा सकते हो, आपकी नौकरी सुरक्षित रह जाएगी। चपरासी की बात सुनकर तहसीलदार जय नारायण जी कहने लगे, मुझे नौकरी की चिंता नहीं है, मैंने परमात्मा का काम किया है, परमात्मा स्वयं रक्षा करेंगे। तुम जा सकते हो, तुम कलेक्टर से कहो, वो इंतजार करे, मैं आता हूँ। अभी इस प्रकार चपरासी कहकर चला गया। वो जाकर कलेक्टर के पास पहुँचा। इतने में शिकायत करने वाला भी वहाँ आ गया। कहने लगा, देखिए ये तहसीलदार कितना घमंडी है, आपका भी सम्मान नहीं कर रहा है, अभी आप यहाँ आए हैं तब भी वो आपसे मिलने नहीं आया है। इतने में कलेक्टर ने खजांची को बुलाया और कहा, जल्दी से खजाना गिनकर बताओ कितने पैसे हैं। खजांची को जब पैसा गिनने का आदेश हुआ तो कहने लगा, चाबी नहीं है। तो कहा, चाबी लेकर आओ। जय नारायण जी के पास चाबी लेने आए, उन्होंने चाबी देते हुए कहा, तुम जब तक खजाना गिनो मैं लौट कर आता हूँ। अब खजांची आया कार्यालय में। उसे तो पहले से ही पता था कि 500 रुपये कम निकलेंगे, क्योंकि 500 रुपये कल गरीब लोगों में बांट दिए गए थे। अब जैसे ही वहाँ ये बात पहुँची, शिकायत करने वाला प्रसन्न हो गया कि मुझे अब तहसीलदार की पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन जब प्रभु कृपा करते हैं तब बात निराली हो जाती है। जैसे ही खजांची ने पैसे काउंट करना प्रारंभ किया तो जितने पैसे कम थे वो पुनः पैसे प्राप्त हो गए। अंग्रेज कलेक्टर देखकर हैरान हुआ, खजाने में से पैसे कम होने चाहिए,
ये उतने कैसे निकल गए हैं और उससे भी 10-20 रुपए एक्स्ट्रा ही निकले। जब तक जय नारायण जी आए, कलेक्टर स्वयं उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, जय नारायण जी, मैं बहुत हैरान हूँ, आपके अनुसार तो पैसे कम होने चाहिए पर इसमें से अधिक पैसे निकले हैं, ये सब क्या है? जय नारायण जी ने कहा, यह परमात्मा की लीला है, जो भगवान के भरोसे रहते हैं उनका काम परमात्मा स्वयं आकर करता है। तब पेशकार की ओर देखकर कलेक्टर ने कहा, इसे अभी का अभी नौकरी से निकाला जाता है, क्योंकि इसने आपकी झूठी शिकायत की थी, इसने आपको निकालने का प्रयास किया। तब जय नारायण जी कहने लगे, इसे मत निकालिए, मैं स्वयं यहाँ से जाने को तैयार हूँ, अब मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता हूँ, अब मुझे भगवान की नौकरी करनी है। तब अंग्रेज कलेक्टर ने बहुत जिद करके उन्हें रोका, कहा, आप कहीं नहीं जाइए, आप यहीं रुकिए। तब उनके कहने पर 5 महीने जय नारायण जी वहीं रुके और जय नारायण जी का वहाँ पर अभी तक मंदिर बना हुआ है, जहाँ परमात्मा ने स्वयं आकर उनकी लाज बचाई। कहते हैं, उस स्थान को छोड़कर जय नारायण जी वृंदावन आ गए और जब वहाँ से निकल रहे थे तो उसी पेशकार को नौकरी देकर आए जिसने उनकी शिकायत की थी, और जाते जाते कहकर गए, ईमानदारी से कार्य करना, प्रभु का भजन करना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो परमात्मा हर समय अपने भक्तों की स्वयं आकर लाज बचाता है, स्वयं आकर लाज बचाता है। ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। अभी 2-3 दिन पूर्व मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ, बड़ा ही मार्मिक ईमेल था। उस ईमेल के माध्यम से भक्त ने अपने जीवन का एक ऐसा प्रसंग लिखते हुए भेजा था कि परमात्मा किस प्रकार अपने भक्तों की संभाल करते हैं। मुंबई की रेशमा जी ने अपना एक पत्र लिखते हुए हमें बताया था, 2018 की बात है, रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व की घटना है। मेरा पुत्र शिवम, जिसका नाम है, वह 7-8 साल का था, प्रातःकाल अपने स्कूल गया। स्कूल से लौटकर वह घर आया, मैं उसे कहने लगी, बेटा कुछ खा लो, बहुत देर से तुमने कुछ खाया नहीं है। लेकिन वह मान नहीं रहा था, वह कहने लगा, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगा, खेलने के बाद आकर कुछ खाऊंगा, बच्चे तो बच्चे होते हैं। उसके जिद के आगे मैं कुछ कह ना सकी। मेरा बेटा नीचे खेलने चला गया और मैं घर पर रक्षाबंधन के लिए मिठाई बनाने लगी, क्योंकि दूसरे दिन मेरे भाई जयपुर से मेरे पास राखी बंधवाने के लिए आने वाले थे। बहुत देर हो गई पर मेरा बेटा लौट कर नहीं आया। मैं इंतजार करने लगी, क्या हुआ है, बहुत देर हो गई है, आया नहीं है। इतने में मैं सारा काम छोड़कर नीचे चली गई। मैंने शिवम के दोस्तों से पूछा, बेटा शिवम कहाँ है? तब वो कहने लगे, आंटी वो तो बहुत देर से आया ही नहीं है, शुरू में आया था, उसके बाद तो हमें दिखाई नहीं। तब मैंने उनसे पूछा, कितनी देर हुई है? तब वह बच्चे तो छोटे थे, कोई कहने लगा आधा घंटा हुआ है, कोई 1 घंटा बोल रहा था, कोई 2 घंटे बोल रहा था, पर कोई सही से समय नहीं बता पा रहा था। मेरा मन घबराने लगा। इतने में मैंने अपने पतिदेव को फोन करते हुए कहा, पता नहीं शिवम कहाँ चला गया है, मिल नहीं रहा है, आप जल्दी से आ जाइए। मुझे घबराते हुए देखकर वह जल्दी से घर लौट आए और वह भी मेरे साथ लॉन में पूछने लगे, हमारा शिवम कहाँ है? तब हम गेटकीपर के पास पहुँचे, गेट वाले से पूछने लगे, आपने हमारे बेटे को देखा है? तब वह कहने लगा, अभी 2 घंटे पूर्व तो वह यहाँ खेल रहा था, उसके बाद मैंने उसे देखा नहीं। अब तो सारे अपार्टमेंट में यह बात फैलने लगी कि शिवम गुम हो गया है। बहुत लोग हमें समझाने लगे, मिल जाएगा, पर माँ का मन तो माँ ही जानती है। मैंने बहुत प्रयास किया आवाज़ लगाकर बुलाने का, पर कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इतने में मैंने जयपुर भी फ़ोन कर दिया कि मेरा बेटा गुम हो गया है। जयपुर के मेरे संबंधी भी बड़ी चिंता करने लगे, पर अब जो परमात्मा के हाथ में है वह तो परमात्मा ही कर सकता है। मेरे घर श्री लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है, मैं सर्वप्रथम
उनको ही राखी बांधती थी। अब इस प्रकार रात्रि के 12 बज गए। हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। तब मेरे पतिदेव पुलिस स्टेशन गए और वहाँ कंप्लेन लिखा कर आए। कहकर आए, हमारा 7-8 वर्ष का बेटा है शिवम, वह गुम हो गया है, उसकी जानकारी कीजिए, जल्दी से जल्दी हमें लौटा दीजिए। उनकी यह कंप्लेन पुलिस वालों ने लिख ली और उन्होंने सब जगह एक संदेश भिजवा दिया कि एक छोटा बालक गुम हुआ है, जिसे भी प्राप्त हो या वह किसे भी दिखाई दे, इस नंबर पर संपर्क करें। बहुत फर्जी फोन हमारे पास आने लगे। कोई कहता था, आपका बेटा हमारे पास है, यहाँ आ जाओ, पैसे लेकर आओ और अपना बेटा लेकर जाओ। इस प्रकार बहुत सारे फोन हमारे पास आने लगे। मन बहुत विचलित होने लगा। मैं तो माँ हूँ, माँ का दर्द तो मैं ही जान सकती थी, पर मेरे पतिदेव बड़े दुखी थे। वह बहुत प्रयास कर रहे थे। उनके कुछ दोस्त भी हमारे घर आ गए थे। मन मानने को तैयार नहीं था। पता नहीं शिवम कहाँ चला गया था। मैं बार बार लड्डू गोपाल को देखकर कहती थी, तुम ही तो भाई हो, तुम्हें ही तो संभाल करनी है, कल रक्षाबंधन का पावन पर्व है, मैं बहन हूँ, कम से कम अगर मुझे कुछ गिफ्ट देना है तो मेरा बेटा मुझे वापस ला कर दे दो। वह तो लड्डू गोपाल जी थे, सब सुन रहे थे और वह सुनकर सारे कष्ट दूर कर देते हैं, पर पता नहीं आज निष्ठुर बने हुए थे। मेरी बात उनके कानों तक पहुंच नहीं पा रही थी। बहुत प्रयास किया अपने मन को समझाने का, पर मन मान नहीं रहा था। इस प्रकार सारी रात व्यतीत हो गई। प्रातः के 8 बज गए। मेरा मन रोते रोते शांत नहीं हो पा रहा था। सारी रात मैं, मेरे पतिदेव और उनके मित्र जागे पड़े थे। हर कोई कहीं ना कहीं ढूंढने का प्रयास कर रहा था, पर शिवम का कहीं कोई पता नहीं लगा। अचानक 8:30 बजे मेरी आंखों में भारीपन होने के कारण मुझे नींद आ गई। मेरे पतिदेव ने कहा, तुम सो जाओ, हम प्रयास करते हैं, हमारा शिवम कहीं नहीं जाएगा, विश्वास रखो श्री लड्डू गोपाल पर। इतने में 11 बजे मेरे भाई भी आ गए। उन्हें देखकर मुझे और जोर से रोना आ गया। रक्षाबंधन का पावन दिन और मैं आज तैयार भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि मन में इतना दुख व्याप्त था कि दुख निकल ही नहीं पा रहा था। मैंने रोते रोते कहा, भैया शिवम गुम हो गया है। तब भैया ने अपने जेब से श्री राधा गोविंद भगवान का एक पिक्चर निकाला। अब जयपुर के तो ठाकुर श्री गोविंद देव जी हैं, उनका पिक्चर देते हुए कहा, गोविंद देव जी से प्रार्थना कीजिए, वो सब कार्य पूर्ण कर देंगे, उन पर विश्वास रखो। लड्डू गोपाल को भाई बनाया है, कोई भाई अपनी बहन को रक्षाबंधन के दिन कैसे दुखी देख सकता है। चिंता मत करो बहन, सब अच्छा होगा, मैं आ गया हूँ ना, सब अच्छा होगा। इस प्रकार मैं अपने भाई का हाथ पकड़कर बड़े जोर से रोने लगी। तब मेरे भैया ने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, भगवान को राखी बांध दो, वह सब कार्य पूर्ण कर देंगे। अपने भाई की बात मानकर भारी मन से मैंने भगवान को राखी बांधी और जैसे ही राखी बांध रही थी, तभी अचानक से एक दिव्य चमत्कार हुआ। मैं उसी का वर्णन आपसे करने जा रही हूँ। जब मैंने भगवान के समक्ष राखी बांधने का प्रयास किया, तभी अचानक मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान का एक हाथ मूर्ति से बाहर आ गया है। मैंने भाव विभोर होकर भगवान को राखी बांध दी और यही प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरा शिवम मुझे वापस लौटा दो। इस प्रकार प्रार्थना करते ही वह हाथ पता नहीं कहाँ अदृश्य हो गया। मैं पुनः रोने लगी, अपने भैया को राखी बांधी। इस प्रकार दिन के 12:30 बज चुके थे और राखी बांधकर जैसे ही मैं पलंग पर बैठी, अचानक से दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की घंटी बजते ही मन और अधिक भय से व्याप्त हो गया। यही मन में होने लगा, कोई अशुभ सूचना ना आ जाए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ हो, क्योंकि जब घटना घटित होती है तो अनेक विचार मन में चलने लगते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था, कोई अशुभ घटना ना घटित हुई हो, मेरे बालक को कुछ भी नहीं हुआ हो। जब घंटी बजी, मेरे पतिदेव दौड़ते हुए गेट की ओर गए। उन्होंने गेट की कुंडी खोली,
जैसे ही कुंडी खोली अचानक पुनः एक दिव्य चमत्कार हुआ। मेरा बेटा भागते हुए अपने पिता के गले लग गया। बेटे को देखकर मेरे पति ने पूछा, कहाँ चले गए थे, क्या हुआ था? तब वह बालक कुछ कह पाता। इतने में एक अन्य व्यक्ति जो गेट पर मेरे बेटे के साथ आया था, वह कहने लगा, मैं बताता हूँ, आपके बेटे को दो जने पकड़कर कल लेकर जा रहे थे। उस समय तो किसी का ध्यान नहीं गया, पर उन दो लोगों ने इन्हें और किसी के हाथ में पकड़ा दिया था। आज प्रातःकाल जब यह बालक उनके साथ कहीं जा रहा था, तब मेरा ध्यान इस बालक की ओर था। क्योंकि मैं पुलिस में जॉब करता हूँ, इस कारण मुझे जानकारी रहती है कि किसकी गतिविधि कैसी है। मैं उनके पीछे हो लिया। तब मैंने उन दोनों को पकड़कर पूछा, कौन हो और यह बालक किसका है? तब पहले तो उन्होंने बताने से मना कर दिया, लेकिन जब मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया तब उन्होंने सारी बात बता दी। उन्हें तो पकड़ लिया गया है और मैं आपके बालक को छुड़ाकर आपके पास लेकर आया हूँ। उसकी यह बात सुनकर मन प्रसन्न हो गया। मैं दौड़ते हुए अपने बालक के पास गई और उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए कहने लगी, भैया, आज रक्षाबंधन के पावन दिन पर आप मेरे बेटे को लेकर आए हो, आज से आप भी मेरे भाई हो। आप यहाँ सोफे पर बैठिए, मैं आपको राखी बांधती हूँ। ऐसा कहकर मैं अंदर से उनके लिए राखी लेने गई, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई तभी देखकर हैरान हो गई। उनके हाथ में एक राखी बंधी हुई थी। मैंने पूछा, भैया, यह राखी किसने बांधी है? तब वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, बहन, आपने ही तो बांधी है। मैं वह राखी देखकर इसलिए हैरान हो गई थी क्योंकि वैसे ही राखी सुबह के समय मैंने श्री लड्डू गोपाल जी को पहनाई थी और उसी के समान वह राखी उस व्यक्ति ने अपने हाथ पे बांधी हुई थी। तब वह मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे बहन, क्यों प्रयास करती हो? यह राखी मैंने बांध तो रखी है, अब आप निश्चिंत हो जाओ। आपका बेटा आपके पास है, इसकी संभाल करना, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। उसके इस प्रकार मीठे शब्द सुनकर मेरा मन बड़ा प्रसन्न था। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद मेरे मन में एक बात चलने लगी, ऐसा कैसे हो सकता है? यह राखी जो श्री लड्डू गोपाल जी को मैंने पहनाई थी, वह तो स्वयं मैंने अपने हाथों से बनाई थी और उसके समान तो दूसरी राखी बाजार में मिल ही नहीं सकती है। फिर उस व्यक्ति के हाथ में वही की वही राखी कैसे बंधी हुई थी? मैंने अपने पति देव को सारी बात बताई। मेरे भाई भी वहीं खड़े थे। वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, बहन, तुम पहचान न सकी, वह और कोई नहीं, हमारे गोविंद देव जी श्री लड्डू गोपाल जी स्वयं उस व्यक्ति का रूप धारण कर हमारे शिवम को हमारे घर पर लौटा कर गए हैं। अपने भाई की बात सुनकर मेरे आंखों से आंसू आने लगे। मेरे भाई कहने लगे, रोती क्यों हो? तब मैंने उन्हें कहा, मेरे भगवान मेरे समीप आए और मैं उन्हें पहचान न सकी। मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। वह मेरे समीप थे, मैं राखी लेने भी गई पर उन्हें पहना न सकी। उन्होंने क्या कहा, यह राखी तुमने ही तो पहनाई है। तब मैंने अपने भाई और अपने पति देव को वही बात बताई जो प्रातःकाल श्री विग्रह को राखी बांधते समय मेरे साथ घटित हुई थी। वह बात सुनकर बड़े हैरान हो गए। मैंने उन्हें बताया, जब मैं श्री लड्डू गोपाल जी को राखी बांध रही थी तभी श्री विग्रह से एक अद्भुत दिव्य हाथ मेरे समक्ष प्रस्तुत हो गया था। मैं भाव विभोर होकर उसे राखी पहनाने लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह हाथ अंतर ध्यान हो गया। लगता है यह वही हाथ था जिसने मेरे बालक की रक्षा की है। मेरी सारी बात सुनकर मेरे पतिदेव कहने लगे, तुम्हारा विश्वास पक्का था तो परमात्मा ने तुम्हारे परिवार की रक्षा की है। तो जो सच्चे भाव और विश्वास के साथ परमात्मा के साथ अपना रिश्ता बना देता है, परमात्मा हर समय उसकी रक्षा करते हैं। तो रक्षाबंधन के पावन पर्व की परमात्मा ने किस प्रकार लाज रखी, स्वयं एक व्यक्ति के रूप में आकर भगवान ने अपनी बहन की
दुविधा को दूर कर दिया तो ऐसे भक्त वसल भगवान व उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।